नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सोनिया चिप। आइए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। आज इंडस्ट्री स्टेट में ट्रैफिक पुलिस द्वारा नाका लगाया गया, जिसमें ओवरलोडिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। कंपनी का बढ़िया सा आता है, 250 रुपए में से लेके 3500 का सब बढ़िया हेलमेट आता है। लगा लेते आप खिलाएं, हेलमेट लगाएं, लेके जाते हैं। हेलमेट का 1000 रुपया जुर्माना है। अब मौके पर आप लोग इतने कैजुअल क्यों होते हैं सर? एक बार दोबारा नहीं होगा आपका, ये मोटरसाइकिल है लेना, दोबारा होगा तो 4 महीने काउंट किए गए। देखिए, रूटीन में हम चलाने वगैरह देखते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं विदाउट क्रैश हेलमेट जो है, जुर्माना भी करते हैं। और क्योंकि अभी कोरोना काल के रिस्ट्रिक्शन जो है SOP वो जारी है, जो गाड़ियों में पैसेंजर्स एक्स्ट्रा हैं खड़े हैं उनका ओवरलोड का चलान दे रहे हैं। अभी तक हमने तकरीबन 6 कंपाउंड चलान किए हैं, कोई 7500 रुपये का जुर्माना किया है, 8 कोर्ट के चलान किए हैं जिनमें 2 बाइक्स भी सीज कर दी है। तो हमारा अवेयरनेस का लगा रहता है आज दिन, कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड। सर, जिस तरह से मेट्रोज के लिए कुछ SOPs और गाइडलाइंस निकाली गई थी कि किस तरह से बैठा जाए, बैठना है, बिल्कुल क्लियर कट अभी भी कुछ उसके बावजूद जो है ओवरलोडिंग देखने को मिल रही है। नहीं, कल भी हमने तकरीबन 16 के आसपास कोर्ट के चलान किए थे ओवरलोड में, और आज भी अभी तक 8 किए हैं कोर्ट के चलान किए ओवरलोडिंग में। ये प्रोसेस जारी है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें ताकि ये बीमारी जो है खत्म हो सके। आज उधमपुर में जिम मालिकों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां सरकार जल्द ही जिम खोलने का आदेश। वही पत्रकारों को जानकारी देते हुए सुमित मल्होत्रा ने बताया कि जिम मालिक सरकार की तरफ से जो भी कोविड गाइडलाइंस है उसका पूरा पालन करेंगे। पिछले कई दिनों से जिम बंद पड़ी है, जिसका बिजली किराया बिल्डिंग कर रहे हैं, काला पैसा हो रहा है। देखिए, आज हमारे यहाँ पे जो जिम के अंदर बैठ के प्रेस वार्ता का जो विषय है, मैं बताना चाहता हूँ। मेरे साथ यहाँ पे अलग अलग जिम के ओनर बैठे हुए हैं। जैसा कि पिछले लॉकडाउन में सरकार द्वारा फैसला लिया गया था कि सब जैसे कारोबार ठप रहे, उसके साथ साथ जिम भी बंद रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हर बार जिम वालों का इम्तिहान सरकार क्यों ले रही है। पिछले लॉकडाउन की बात करें, हमने इसी जिम में बैठ के प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद सरकार की नींद खुली और जिम खोलने का मौका दिया था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आज कहना पड़ता है, हमने मजबूर होकर आज जिम के ओनर हमारे से मिले और हमसे इन्होंने, हमने तो कहा था प्रोटेस्ट करना है, लेकिन इनका यह कहना था कि पहले हमने प्रेस वार्ता करनी है, अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो फिर हम प्रदर्शन करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, सरकार द्वारा हर रोज नई गाइडलाइन निकाली जा रही है, हर एक कारोबार खोले जा चुके हैं, चाहे हम रेस्टोरेंट की बात करें, होम डिलीवरी शुरू की गई है, कारोबार की बात करें, हर एक दुकान खोली जा चुकी है, यहाँ तक कि शादी समारोह के लिए बैंक्वेट हॉल में भी परमिशन दी गई है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जिम के साथ इतना सुतैला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जिम वालों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है? एक तरफ सरकार कहते हैं कि नहीं, जिम में आने से कोरोना बढ़ता है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से व प्रशासन से कि जिम खोलने से कहां से कोरोना बढ़ेगा। एक तरफ तो मैं पूछूंगा कि सरकार को जहां से रेवेन्यू इकट्ठा होता है वहां तो उनको कोई नहीं पूछने वाला। शराब की दुकानें खोली गई, आप देखिए जिस दिन शराब की दुकानें खुली, एक एक दुकान के बाहर 500-600 लोग लाइन में खड़े थे, और मुझे लगता है कि कोई 6 इंच की गुंजाइश नहीं थी पीछे की सोशल डिस्टेंसिंग।
वहां पे कोई कोरोना नहीं था, बल्कि वहां पे पुलिस वाले खड़े होके कह रहे थे कि हाँ आराम से शराब खरीदिए, कि क्यों मेरे ख्याल से ज्यादा वो कोरोना की दवाई है। तो फिर एक काम कीजिए कि सरकार घोषित कर दे कि भाई अगर जीना है तो कोरोना की दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अगर रेवेन्यू के लिए शराब की दुकानें खोल रही है तो ठीक है, लेकिन जिम जिधर आने से बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वह क्यों बंद रखे हैं? एक तरफ सरकार कहती है, मैंने देखा पिछले दिनों हमारे जिला प्रशासन द्वारा भी एक प्रेस वार्ता की गई, उनका कहना था कि जिम में सफोकेशन हो सकती है, ज्यादा लोग होंगे तो कोरोना के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आप बसेस की बात करिए, मेटाडोर में देखिए आप 20-20, 30-30 लोग अगर बैठे हैं एक बिल्कुल चिपके साथ बैठे हैं, वहां पे कोरोना नहीं है, वहां पे तो मास्क भी किसने नहीं पहना। लेकिन जिम, क्योंकि मैं भी एक खुद एक्सरसाइज करता हूँ जिम, मुझे पता है कि जिम में कोई इकट्ठे चिपक के एक्सरसाइज कोई नहीं करेगा, एक यहाँ कर रहा है एक वहां कर रहा है, कम से कम 8-8, 10-10 फुट का डिस्टेंस रहता है। तो हम सरकार से यह मांग करते हैं कि आप जिम खोलने की परमिशन दीजिए। हम नहीं कहते कि आप कोई 50-20, कम से कम 10-15 लोग एक शिफ्ट में 10 लड़कों को परमिशन दीजिए, 10 लड़के एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि जिम के ऑनर जो है इनका भी गुजारा चल सके। मैं ये बताना चाहता हूं, उधमपुर में जितने भी जिम हैं, बहुत सारे ऐसे जिम हैं जिनका घर का पालन पोषण, घर का अपना जितना भी घर का गुजारा है जिम के सिर पे ही होता है, कोई और कारोबार नहीं है। क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता? पिछले 2 महीनों से उनकी क्या हाल होगी? और अभी मेरे साथ जिनके कुछ ये बैठे, इनका बताना कहना है कि पिछले लॉकडाउन में भी बिजली के बिल जो थे वो भी उनको विद इंटरेस्ट भेजे जा रहे हैं कि बिल जमा करवाइए, क्या कसूर था इनका? और कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से, जितने ओनर बैठे हैं सारे किराए के जिम चला रहे हैं, जिनका 20-25 हजार रुपया महीने का किराया है, वो किराया कौन देगा 2 महीने का? वो किराया भी जेब से देंगे, बिजली भी जेब से भरेंगे, ऊपर से सरकार कहती है जिम बंद है। हम ये आपके मीडिया के माध्यम से आज हम एक विनती कर रहे हैं। आज उधमपुर जिले के पंचायरी तहसील में पड़ते लांदर में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी सीएमओ उधमपुर तथा बीएमओ पंचायरी के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। अज फिर दोबारा साड़ी हड़ताल जारी है, क्योंकि साढ़े जेड़ा लांदर पीएससी है एह्दे च जेड़े साढ़े जेड़े लोग लग्गे दे न वो अपने सुविधा अनुसार अपने अपने घरें बैठे दे, लेकिन ओह्दे च दा 4 दे आर्डर होए हे जिस दिन साड़ी पहले हड़ताल होई, लेकिन ओह्दे च 3 जने जेड़ा ज्वाइन किया, जेड़ा चौथा वो अज तक भी नहीं आया। जेड़े बाकी बकाया जेड़े 6 होर साढ़े बकाया जेड़े अटैच किए गए, उन्होंने आखते कि कोविड की वजह कन्ने उन्दियां ड्यूटियां लगी दियां, लेकिन मैं पूछना चाहना कि कोविड जेड़ा है 2 साल होए कोविड ने, लेकिन जेड़ा उन्हें अटैचमेंट 8-8 साल हो जाए अटैचमेंट किए दे। कई मुलाजम ऐसे जिन्हें लांदर दिखे दा तक नहीं, जेड़े पंचायरी जिन्हें बीएमओ ऑफिस नहीं दिखा, उन्हेंगी अपनी सुविधा अनुसार उनके घर कश अटैच किया गया। असें ये बर्दाश्त नहीं किया जा, साड़ी हड़ताल जी जारी रहो जब तक वो सारे इतने नहीं पुजते, वापस उन्दे डिटैचमेंट नहीं होंदियां तद तक साड़ी हड़ताल जारी रहो। इतना असें उठगे नहीं, साड़ी हड़ताल बिल्कुल तरीके कन्ने जारी रहो, असें कोई नहीं असें इतने इतों असें उठगे। और अज अगर इतने साड़ा कोई फैसला नहीं होंदा तो कल अस तहसील हैडक्वार्टर उपर उसी उत्थे जाइए बंद करगे, अगर उत्थे भी कोई फैसला नहीं होंदा तो डीसी ऑफिस दे सब बाहर जाइए अस रोड ब्लॉक करगे, नहीं तो साड़ा फैसला किया जा असें इतों नहीं उठना। अज साड़ी पूर जोर जी हड़ताल जारी रहो, पिछले बारी असें जी हड़ताल की ही वो असें पूरे मुल्क जी की, लेकिन प्रशासन की यह समझ नहीं आवा दी है, लेकिन अगर कोई तोड़ फोड़ किसी किस्म की कोई हो जाए तो अस जिम्मेवार नहीं होगे। धन्यवाद। वार्ड नंबर 13 के पार्षद राकेश खजूरिया द्वारा लंबी गली में रिस्टोरेशन शुरू किया गया। लगना एक बार की इस तरह होना।
जय श्री राम जी, मैं राकेश खजूरिया, कौंसलर वार्ड नंबर 13 हूँ। ये आज जो यहाँ बहुत लोगों ने शोर मचाया हुआ था कि गली का रिस्टोरेशन नहीं स्टार्ट हो रहा है यहाँ, क्योंकि आपको सबको जानकारी है कि लंबी गली में सीवरेज प्लस PHE दोनों का काम चल रहा था। अब जबकि PHE वालों ने बोला कि हमें सिर्फ 2.3 चाहिए जहां हम आगे पाइपलाइन देंगे और एक मेन जगह जहां से पाइप को डाइवर्ट किया जाएगा वो छोड़कर आप पूरी कर सकते हैं। उन्होंने कल ही इसकी NOC दी है उनको सीवरेज वालों को, और आज सीवरेज वालों ने ये हमें बोला कि रिस्टोरेशन करनी है वार्ड में तो कैसे होगी, तो हमने ये टाइल वाला मिस्त्री दिया है, जहां पूरी जो टाइल है द्वारा रिस्टोर की जा रही है। ये लंबी गली कंप्लीट की जाएगी जहाँ गणेश टेम्पल से स्टार्ट होते हुए ये पूरी बाहर दब्बल पार्क के सामने तक जहाँ ये लास्ट गली जहाँ ख़त्म होती है वहाँ तक ये किया जाएगा। अरे भाई रोहित, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ यार, और बता क्या कर रहा है आजकल? यार डोर चेंज करवाने हैं और लॉन के लिए आर्टिफिशियल ग्रास लेना है और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी। अपने उधमपुर में कोई सजेस्ट करना, कहाँ से लूँ? JP टिम्बर ट्रेडर्स है ना अपने उधमपुर वाले, हार्डवेयर आइटम के साथ साथ रेडीमेड डोर्स, डेकोरेटिव डोर्स, वुडन फ्लोरिंग, आर्टिफिशियल ग्रास, टीक एंड विनर वुडन पॉलिश और बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स में डील करते हैं। अच्छा, JP ट्रेडर्स वालों के पास ये सब है? फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, ये बेस्ट क्वालिटी ही देंगे। मैंने पहले भी इनसे हार्डवेयर का सामान लिया है, जेन्युइन प्राइस में देते हैं और सामान भी ऐसा एक बार लगा दिया तो सालों साल चले। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट एट 9596492525। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।